नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। सोशल मार्केट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मदर भूमि के स्टॉक प्राइस की। इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे शॉर्ट टर्म में न्यूज़ के दम पे और इसके ऑप्शन चेन और चार्ट के दम पे कहाँ तक जा सकता है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा एक न्यूज़ कवर कर लेते हैं। लाइक एक आपने देखा होगा कि 2-4 दिन पहले का क्वार्टर रिजल्ट आया हुआ था। तो मदर भूमि स्टैंड अलोन दिसंबर 2020 नेट सेल्स 1,126 करोड़ रुपये का जो है अब है 17.15% ईयर-ऑन-ईयर। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नेट सेल्स जो है इनका अप है 17% का। ठीक है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 249.25 करोड़ दिसंबर, अब 949.67। तो ये जो है डेटा बहुत ही अच्छा है क्योंकि जो है 49.50% का जंप है। ठीक है, पिछले क्वार्टर में 166.53 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 249.25। एबिटा भी 161 से 205 आया है, 27.32% का जंप है। मीन्स हर एक फ्रंट पे, चाहे एबिटा हो चाहे पैट हो, ठीक है, चाहे नेट सेल्स हो, हर एक पॉइंट पे इसमें उछाल आया हुआ है। अब थोड़ा सा एनएससी की साइड पे चलते हैं। अब देख रहे हैं, अभी मैं मदर सेल सोमी का जो है बोर्ड लगा रखा हूँ, तो ये क्लोजिंग प्राइस है आज की 229.70 रुपये की। ये लगभग 7.5% अप है, 15 पॉइंट। ठीक है, प्रीवियस क्लोज 214 का था, कल का मीन्स फ्राइडे का ओपन हुआ 216 पे, हाई बनाया 235.50 रुपये का, लो बनाया 216.15 रुपये। सेल प्राइस 231.55 पे 44,000 पॉइंट की सेलिंग की लगी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा डिलीवरी देख लेते हैं। टोटल जो है 4 करोड़ जो है शेयर उठे हैं, जिसमें से डिलीवरी उठी है 85 लाख की, लगभग 20% के अराउंड डिलीवरी है। नॉट सो बैड, नॉट सो गुड, ठीक है। लेकिन और कंपेरिजन में, जैसे पिछले दिन इसका डिलीवरी थोड़ी कम थी, कंपेरिजन में आज थोड़ी अच्छी है। देन इसका ऑप्शन चार्ट, ठीक है, आप देख रहे हैं मदरसन सुमी। मदरसन सुमी का एक ऑप्शन चेन डेटा है। ऑप्शन चेन डेटा एक बहुत बड़ा डेटा होता है, तो उसके दम पे हम देखते हैं क्या बोल रहा है। तो इधर लेफ्ट साइड में देखिए कॉल साइड है और इधर राइट में पुट है। सबसे पहले हम कॉल को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम के दम पे देखते हैं सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है। 2,226 कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस आपकी 230, मतलब एक 230 का एक रेजिस्टेंस है। अब आज 229.70 पे ही क्लोज हुआ है। ठीक है, कल थोड़ा सा ऊपर, 230 के ऊपर थोड़ा सा भी टिक जाएगा, रुक तो 2-4 मिनट 10 मिनट, तो सीधा जो है अगले टारगेट। अगला टारगेट किधर है ये देखिए, ऑप्शन चेन ही बता रहा है कि अगला टारगेट किधर है। तो ये है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 2,226 का, क्वांटिटी का 230 पे। अगर 230 ये जी है क्रॉस किया, तो सीधे फ्री फ्लो, थोड़ा सा एक हर्डल है 240 पे, हल्का सा। 230 से 240 के बीच में दोस्तों कोई भी हर्डल नहीं है। ठीक है, चाहे 232 हो, 235 हो, 232, 10-10, 15-15 क्वांटिटी भागेंगे तुरंत ही, जैसे ऊपर टिकेगा। 1,685 क्वांटिटी का है, थोड़ा सा 240 पे, ठीक है, थोड़ा सा है डील है। अब 240 अगर क्रॉस किया, तो फिर 1,765 और सीधा जो है 250 पे, 260 पे 1,722। मीन्स अभी मान के चलिए 230 जो है थोड़ा सा ऊपर, अगर कल की सेशन में ऊपर 231-232 पे थोड़ी देर टिका रहा और थोड़ा वॉल्यूम भी अच्छा रहा, तो सीधा है 240 पे जाएगा। 240 का इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, तो 250, तो सीधा का सीधा 260 का एक फ्री फ्लो टारगेट दिख रहा है, 260 का शॉर्ट टर्म के लिए। ऑप्शन चार्ट डेटा बोल रहा है कॉल का। पुट साइड में देख लेते हैं, पुट साइड में सी प्राइस ये देखें, 230 पे कोई बहुत बड़ा हैडल नहीं है, 14,000। ठीक है, वॉल्यूम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आस क्वान्टी वॉल्यूम में देख रहे हैं 393, 220, ये 225, 230 पे कुछ 219 क्वान्टी है। ठीक है, और 15, फिर आगे का इसमें डेटा है ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि 139, 393, 220, 220 इसका एक देख रहे हैं, एक एग्जैक्ट सपोर्ट है 220 का। 293 देख रहे हैं, 220, 393 क्वांटिटी है इसमें 220 पे। ठीक है, इसके नीचे 412, इससे बड़ा 200, 200 जो जाएगा तो 230 की बात, 220 की बात करते हैं। 220 पे एक छोटा सा सपोर्ट है। ठीक है, तो
जो भी ऑप्शन चेन डेटा वाले पुट वाले मान रहे हैं कि नहीं 220 के नीचे नहीं जा सकते, उनका मानना है 220 जा सकता है, लेकिन वो भी बहुत छोटे, अगर कॉल की तुलना में जो है 1685 की तुलना में जो है पुट साइड में बहुत ही कम है। अगर डेटा नहीं है तो एक अगर गिरेगा भी तो 220 का एक सपोर्ट है, बट रेजिस्टेंस देख रहे हैं 2226 230 पे, उसके आगे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, एक पे 240 पे थोड़ा सा, 250 पे थोड़ा सा, फिर डेन 260 पे। अब थोड़ा चार्ट पे देखते हैं दोस्तों, एक मंथ का चार्ट देखते हैं, ये 156 रुपये 5 फरवरी को था, देख रहे हैं 5 फरवरी को 156 रुपये, 10 फरवरी को 161 रुपये, 10 फरवरी को 18 फरवरी को ये जो है 227 रुपये का एक हाई बनाया था, तब से 227 रुपये के आसपास था, आज इसने 227 रुपये का ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, सीधा का सीधा तुरंत का तुरंत 230 240 पे जाके टिकेगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस 240 पे, 240 का रख दिया 250, फिर 260, ये मान के चलिए 260 इसी हफ्ते ये टच कर जाना चाहिए, मोमेंटम अच्छा है, वैल्यूम अच्छा रहेगा अगर, तो अब मेजरली ये चांसेस बने हुए हैं। तो दोस्तों ये रहा ऑप्शन चेन और चार्ट के दम पे और न्यूज के दम पे बहुत अच्छा मोमेंटम है, तो यहाँ पे ये 260 का टारगेट तो सीधा सीधा दिख रहा है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, छोटे छोटे 230 और 240, 240 और 250 का छोटा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है आज के जो है पुट कॉल ऑप्शन डेटा को देख के। दोस्तों अंत में वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह का और भी आपको जो है अच्छे अच्छे स्टॉक रिकमेंड किया करूँगा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए।